बसीर वर्द की एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। पहले आप इस तस्वीर को देखिए और इसे देखने के बाद आप भी मान गए होंगे कि हमने जो कहा है वो वाकई सच है। और इसे चरितार्थ किया है भागलपुर की अभिलाषा किलकारी कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी ने। आपको बता दें कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित सीनियर एसोसिएशन सैम्बो यानी कि रशियन कुश्ती चैंपियन में भारतीय टीम में शामिल बिहार की दो बेटियों ने ब्रोंज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पटना की अभिलाषा कुमारी जो कि किलकारी भागलपुर की कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है और उसने 54 किलोग्राम स्पर्धा में ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया है। इससे पहले उन्होंने 25 साल पहले 2019 में नई दिल्ली में हुई एशिया की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं वो भागलपुर पहुंची और वहां पहुंच के क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप वो सुने। मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है स्पोर्ट इवेंट में और कॉम्बैट इवेंट में। आगे की पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आने जा रहा है तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूं और आने वाले समय में एशियन गेम्स का भी मुझे मौका मिले। मेरा सपना है कि मैं एशियन गेम्स में जाऊं और इस बार ब्रॉन्ज है, अगली बार पूरी कोशिश होगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ देश के लिए। जी बिल्कुल। इस बार बिहार से कितने लोग? बिहार से हम लोग 5 लोग गए थे जिसमें 3 लोगों का मेडल लगा है। मेरा 2 ब्रॉन्ज है। पूनम यादव है जो कि कैमूर से है, उनका 59 kg में ब्रॉन्ज है और भोरी यादव जो कैमूर से हैं, उनका भी सिल्वर मेडल लगा। आपने अभिलाषा किलकारी भागलपुर की कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी को सुना जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इस सफर को जो है तय किया है। गौरतलब हो कि अभिलाषा किलकारी भागलपुर की कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत, उनके भागलपुर स्टेशन उतरते ही खुशी का माहौल हो गया। अभिलाषा के भागलपुर स्टेशन पहुंचते ही खेल प्रेमियों और समाज सेवियों के द्वारा ढोल बाजे के साथ अभिलाषा को फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। अभिलाषा के अलावा भागलपुर की पूनम यादव ने 59 किलोग्राम वेट स्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीतकर खुशी दोगुनी कर दी है। दोनों की सफलता पर खेल मंत्री जितेंद्र राय, बिहार राज्य प्राधिकरण के महानिर्देशक रविंद्र शंकरन, निर्देशक सचिव पंकज राज, सैम्बो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव विनय कुमार सिंह के अलावा कई लोगों ने पटना में पुष्प गुच्छा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब हो कि अभिलाषा किलकारी भागलपुर की कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है, उनके भागलपुर स्टेशन उतरते ही खुशी का माहौल हो गया। खेल प्रेमियों के द्वारा जो है उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाज सेवियों के द्वारा ढोल बाजे के साथ अभिलाषा को फूल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। 7 से 11 जून तक हुए एशियन कप में बिहार की 3 बच्चियों के द्वारा मेडल जीता गया है जिसमें अभिलाषा ने सबसे ज्यादा 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए। वहीं अभी भी इच्छा है कि आगे यह देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।